हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स सिविक्स का चैप्टर 9 अर्बन लाइवलीहुड। तो इस इलस्ट्रेशन में क्या दिख रहा है आपको, है ना, इसमें दिख रहा है कि मार्केट वगैरह है ना, बसेस हैं, तो बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। तो ये अर्बन लाइफस्टाइल के बारे में दिखा रही है। देखो इंडस्ट्रीज़ वगैरह भी शो कर रहे हैं, कार, है ना, तो ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। ओके, तो यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द वर्क दैट पीपल डू इन रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ में क्या काम होता है ये हम देख चुके हैं ना, लास्ट चैप्टर जो था 8, जो इससे पहले वाला, तो उसमें हमने देखा था कि जो रूरल एरियाज़ में पीपल एग्रीकल्चर किया करते हैं ना। कोस्टल एरियाज़ में फिशिंग कम्युनिटी के बारे में देखा था। नाउ कंपेयर द वर्क दैट पीपल डू इन दिस इलस्ट्रेशन आर डूइंग विद द वर्क दैट पीपल डू इन रूरल एरियाज़। तो रूरल एरियाज़ में क्या काम करते हैं और अर्बन एरियाज़ में इस इलस्ट्रेशन में क्या कर रहे हैं, तो दोनों को कंपेयर करने के लिए कहा गया है। ये देखिए यहाँ पर ये शॉप लगी हुई है ना, यहाँ पर जो अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लोग, एग्रीकल्चर वगैरह नहीं दिख रहा है ना। तो रूरल एरियाज़ में एग्रीकल्चर मेनली एक्टिविटी होती है ना। सम पार्ट्स ऑफ द सिटी आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। कई पार्ट जो होते हैं सिटी के वो डिफरेंट होते हैं। एक दूसरी सिटी हो सकती है ज़्यादा डेवलप है और कुछ दूसरी सिटी है, और एक सिटी है वो कम डेवलप्ड है। व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी, डू यू नोटिस इन दिस इलस्ट्रेशन। आपको क्या डिफरेंस दिखता है इसमें दोनों में, है ना। ये वाली देखो, ये सिटीज़ जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा डेवलप दिख रही है, यहाँ पर स्कूल दिख रहा है। तो कुछ सिटीज़ जो होती है उसके बाद डिफरेंट होते हैं। तो ठीक है, तो सिटीज़ के बारे में देखेंगे। देयर आर मोर देन 5000 टाउन एंड 27 बिग सिटीज़ इन इंडिया। तो टाउन्स होते हैं, देखो पॉपुलेशन के हिसाब से टाउन्स भी डिवाइड किए जाते हैं कि ये जो है ये वाला टाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर ना 5000 हमारी जो कंट्री में टाउन है और 27 सिटीज़ पाई जाती हैं, ठीक है। 27 बिग सिटीज़ है, बहुत बड़ी बड़ी, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, है ना, कोलकाता, तो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं इंडिया में, बिग सिटीज़, जैसे कि चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, है ना, दिल्ली, कोलकाता, एक्सेट्रा। हैव मोर देन मिलियन पीपल लिविंग एंड वर्किंग हियर। तो मिलियन से भी ज़्यादा, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, ठीक है। तो मिलियन ऑफ पीपल वहाँ पर रहते हैं और काम करते हैं। दे से दैट द सिटी नेवर स्लीप। सिटी कभी सोती नहीं है, ठीक है, मतलब सिटी का ना काम चलता ही रहता है, ठीक है। सिटी को ग्रोथ इंजन ऑफ द इकोनॉमी भी कहते हैं, क्योंकि सिटीज़ में ना, जैसे कि आप न्यूयॉर्क देखो ना यूएस की, तो उसमें ट्रिलियंस ऑफ इकोनॉमी है उसकी, ठीक है। एक पर्टिकुलर सिटी जो है वो कंट्री की ग्रोथ में बहुत कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं काम करने के लिए, वहाँ पर बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। लेट्स विजिट वन ऑफ द वन एंड फाइंड आउट अबाउट द वर्क पीपल डू। तभी हम स्टोरी देखेंगे, उसमें हमको पता चलेगा कि एक जो लोग क्या काम करते हैं सिटीज़ में, ठीक है। आर दे एम्प्लॉयड बाय समवन, क्या वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं या फिर कोई उनको हायर करता है, कोई उनसे काम करवाता है ना, किसी और के लिए वो काम करते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर में हमने देखा था लैंडलेस लेबरर हुआ करते थे वो, है ना, दूसरे के फील्ड पर काम करते थे। हाउ डू दे ऑर्गनाइज सेल्फ, तो अपने आप को ऑर्गनाइज कैसे करते हैं वो। एंड डू दे हैव सिमिलर एम्प्लॉयमेंट एंड अर्निंग अपॉर्चुनिटी, क्या सभी लोगों की एक ही, मतलब एक जैसी अपॉर्चुनिटी है उनके पास में, अर्निंग अपॉर्चुनिटी, और एक ही जैसा काम करते हैं क्या, ठीक है। द वर्किंग ऑन द स्ट्रीट, दिस इज़ अ सिटी वेयर माई कज़न लिव्स। तो ये जो सिटी है वहाँ पर उसका कज़न रहता है, एक लड़का है, उसकी बात की जा रही है। आई हैव बीन हियर ओनली अ फ्यू टाइम्स, ठीक है। तो वो ना कई बार यहाँ पर आया है, ठीक है, मतलब कभी कभी। इट्स अ वेरी बिग, तो बहुत बड़ी सिटी है। वंस वेन आई केम हियर, तो जब वो सबसे पहले यहाँ पर आया, माई कज़न टुक मी अराउंड, तो उनका कज़न उनको घुमाने के लिए लेके गया। वी लेफ्ट द हाउस अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह के टाइम पर उन्होंने अपना घर छोड़ा। एज़ वी रिटर्न द कॉर्नर ऑन टू द मेन स्ट्रीट, वी सॉ दैट इट इज़ ऑलरेडी बजिंग विद एक्टिविटी। जब वो कॉर्नर से होते हुए मेन स्ट्रीट में पहुँचे, मेन जो गली में पहुँचे, तो वहाँ पर ना पहले से ही बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी। वेजिटेबल वेंडर्स थे, ठीक है, वेंडर जो होते हैं ना, छोटी छोटी शॉप होती है उनकी, ठेला वाले, है ना, तो वो हो गए, तो वेजिटेबल बेच रहे थे वो लोग, है ना, जो सब्जियाँ। बस बिजी अरेंजिंग टोमेटोज़ को अरेंज कर रहे थे, कैरेट्स को, है ना, क्यूकम्बर्स जो कहते हैं, जो ककड़ी को, इन बास्केट में। एंड एट हर स्टॉल सो दैट पीपल कुड सी व्हाट शी हैड टू सेल। तो मतलब ऐसे अरेंज कर रहे थे वो कि लोगों को दिख जाए कि, तो उन्होंने वहाँ से ना रेड रोज़ ख़रीदा, ठीक है, और एक येलो रोज़ ख़रीदा। पेवमेंट अपोजिट उसके पास ही ना जो एक पर्सन था जो कि न्यूज़पेपर बेच रहा था, उसके अराउंड बहुत सारे पीपल थे, ठीक है, उसको घेरे हुए थे। वो लोग जो थे न्यूज़पेपर को पढ़ना चाहते थे, न्यूज़ पढ़ना चाहते थे। बस इसकी आवाज़ आ रही थी। ऑटो रिक्शे में चिल्ड्रन जा रहे थे, भरे हुए थे ऑटो रिक्शा, जो चिल्ड्रन बच्चे बैठे हुए थे उसमें। नियर बाय अंडर अ ट्री के अंदर, जो पेड़ के नीचे एक कॉबलर बैठे हुए थे, जो कि ना मोची कहते हैं उनको, तो वो अपना टूल्स वगैरह लिए हुए थे एंड मटेरियल अपने छोटे से बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट टू हिम उनके पास एक बारबर की शॉप थी, जो कि अपना काम कर रहे थे। ही ऑलरेडी हैड अ कस्टमर हु वांटेड एन अर्ली मॉर्निंग शेव। तो सुबह से ही लोग चले जाते हैं बारबर की शॉप में, है ना, वो शेविंग कराने, बाल कटवाने के लिए, है ना। अ लिटिल वे डाउन, तो और नीचे उन्होंने देखा थोड़ा और जा करके, तो अ वुमेन वॉज पुशिंग अलॉन्ग अ कार्ट विद ऑल काइंड ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स। तो एक वुमेन थी जिनके पास में कार्ट था, जो कि वो पुश कर रही थी, जिसमें सारे तरीके के प्लास्टिक बॉटल्स, बॉक्सेस, हार्पिन चिप्स, क्लिप्स, सारी चीज़ें थी। इन इट वाइल अनदर पर्सन ऑन अ साइकिल, तो साइकिल ट्रॉली भी लिए हुए थे लोग, ठेले में लेकर चलते हैं, अपना सामान बेचते हैं साइकिल में लेकर के चलते हैं। वो कैरिंग वेजिटेबल, तो उनके पास में कैरिंग वेजिटेबल्स थी, ताकि वो बेच सकें, है ना, लोगों को घर घर जा करके। वी केम टू अ प्लेस वेयर रिक्शाज़ वर स्टैंडिंग इन अ रो, तो वो प्लेस में आए जहाँ पर ना ऑटो रिक्शाज जो थे वहाँ पर पहुँचे, जहाँ पर ना रिक्शा स्टैंड भी कह सकते हो, कि रिक्शा जो थे अपने ना लाइन से लगे हुए थे। वी डिसाइडेड टू टेक वन
टू द मार्केट. तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम ना एक जो है मार्केट लेकर चलते हैं ना, किराए से लेते ना, विच वॉज अबाउट 2 किलोमीटर डाउन द रोड. तो 2 किलोमीटर जो था मार्केट था, ठीक है, दूर से थोड़ा. तो ना वो लोग रिक्शा लेकर के जाते हैं ना. अभी यहाँ से हम ये देखते हैं बंचू मांझी अ साइकिल रिक्शा. तो इनकी एक स्टोरी देखते हैं, है ना, साइकिल रिक्शा पुलर. तो ठीक है, तो ये साइकिल रिक्शा चलाते हैं. आई कम फ्रॉम अ विलेज इन बिहार. तो ये बिहार से आए हुए हैं. वी आर आई वर्कड एज अ मेसन. तो वहाँ पर वो मजदूर का काम किया करते थे. माई वाइफ एंड 3 चिल्ड्रेन. तो उनकी वाइफ है और उनके 3 बच्चे हैं. इन द विलेज वी डोंट ओन लैंड. तो उनके पास में कोई ज़मीन नहीं है, वो लैंडलेस है. इन द विलेज आई डिड नॉट गेट मेसनरी वर्क रेगुलरली. तो रोज़ रोज़ उनको जो काम नहीं मिलता था. द इनकम एंड दैट आई अर्न्ड वॉज नॉट इनफ फॉर आर फैमिली. जो भी वो कमाते थे उनकी फैमिली के लिए प्रॉपरली वो नहीं था ना, मतलब खर्चा नहीं चल पाता इतने सारे लोग के. आफ्टर आई रीच द सिटी. जैसे ही वो सिटी आए, आई बॉट एन ओल्ड. तो उन्होंने क्या किया, बॉट किया, एक खरीद लिया एक ओल्ड रिक्शा एंड पेड फॉर इट इंस्टॉलमेंट में. उन्होंने पेमेंट कर दी है ना उसकी रिक्शा खरीदने के बाद. दिस वॉज मैनी ईयर्स अगो. तो बहुत सालों पहले उन्होंने ऐसा किया था कि रिक्शा खरीद लिया. आई कम टू द बस स्टॉप एवरी मॉर्निंग. तो हर सुबह जो है बस स्टॉप जाते हैं ये एंड टेक द कस्टमर वे आर दे वॉन्ट टू. अब वो कस्टमर्स को लेकर के जाते हैं जहाँ भी कस्टमर जाना चाहते हैं ना रिक्शा लेकर के. आई वर्क टिल 8:30 इन द इवनिंग. शाम को 8:30 तक वो काम करते हैं. आई टेक राइट ऑफ अप टू 6 किलोमीटर इन द सराउंडिंग एरिया. वो 6 किलोमीटर तक जो वहीं वहीं रिक्शा चलाते हैं और लोगों को छोड़ते हैं ना. ईच कस्टमर गिव्स मी 5 to 10 trips डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस. तो 5 से 10 रुपये उनको मिल जाते हैं जैसा भी डिस्टेंस होता है उस हिसाब से. वेन आई एम इल आई कांट डू दिस वर्क. जब उनकी तबीयत खराब होती है ना तो वो ये काम नहीं कर पाते. सो ऑन दोज डेज आई डोंट अर्न एनीथिंग. तो उस दिन उनके पास में कुछ भी नहीं कमाते हैं तो वो, ठीक है, जब उनकी तबीयत खराब होती है, ठीक है, तो इन्हीं को अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कहते हैं. इनको कोई सैलरी नहीं होती है, इनकी कोई जो ना इनको छुट्टी नहीं मिलती है. रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, ठीक है, तो इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मतलब वल्नरेबल कहते हैं इसको, ठीक है, ये लोग जो होते हैं. आई स्टेड विद माई फ्रेंड्स इन द रेंटेड रूम. तो ये जो रहते हैं ना ये किराए के कमरे से रहते हैं अपने दोस्त के साथ में. दे वर्क इन अ नियर बाय फैक्ट्री. ठीक है, तो वो जो उनका दोस्त है वो फैक्ट्री में काम करता है. आई अर्न बिटवीन 80 to 100 एवरी डे. तो वो ना 80 से 100 रुपये हर दिन कमा लेते हैं. आउट ऑफ विच आई स्पेंड 50 to 60 ऑन फूड एंड रेंट. तो उसमें से 50 से 60 रुपये जो है खाने और किराए में चला जाता है. द रेस्ट आई सेव फॉर माई फैमिली. और बाकी का जो बचता है वो अपनी फैमिली के लिए बचा लेते हैं. ठीक है, आई विजिट माई विलेज 2 or 3 times a ईयर. तो हर 2 से 3 बार जो ना साल में 2 से 3 बार वो अपने गाँव जाते हैं अपनी फैमिली से मिलने के लिए. तो माई फैमिली सर्वाइव्स ऑन द मनी. क्योंकि इनकी फैमिली जो है उसी मनी पे सर्वाइव करते हैं जो भी ये भेजते हैं. माई वाइफ ऑल्सो अर्न. तो उनकी वाइफ भी जो है ना एग्रीकल्चर वर्क करती हैं. शी गेट्स वंस इन अ वाइल दैट शी गेट्स वंस इन अ वाइल. तो मतलब वो एग्रीकल्चर वगैरह करती हैं, काम करती हैं, उससे उनकी वाइफ भी थोड़ा बहुत इनकम करती है ना. ओके, तो आपने देखा होगा ऐसे रिक्शा में लोगों की कंडीशन ऐसे भी देखी होगी, है ना, क्योंकि सिटीज़ में बहुत सारे लोग होते हैं. वाई डिड बच्चू मांझी केम टू द सिटी. क्योंकि उसके पास में जो रोज़ रोज़ उसको गाँव में काम नहीं मिल रहा था तो उसने सोचा सिटी में हम चले जाते हैं वहाँ पर काम मिलेगा. ठीक है, तो उसको माइग्रेशन भी कहते हैं. वाई कैंट बच्चू मांझी लिव विथ हिज फैमिली. वो नहीं रह सकता क्योंकि उसकी फैमिली में वाइफ उसके 3 बच्चे हैं तो उनको भी सिटी में रखना और ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा. ठीक है, वो लोग गाँव में रहते हैं ना. जी टॉक टू अ वेजिटेबल वेंडर और हॉकर एंड फाइंड आउट हाउ दे डू ऑर्गेनाइज देयर वर्क. ठीक है, तो आप जो है वेजिटेबल वर्कर्स है जो भी हैं तो जो वेजिटेबल बेचते हैं उनसे बात करिएगा और जो ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं वो ये सारी चीज़ें पूछना. वे ऑफ प्रिपेयरिंग परचेजिंग. पहले ना वो थोक, हम बताएं आपको, जो पहले जो वेजिटेबल वेंडर हैं वो थोक में सारी सब्जी लेकर के आते हैं होलसेल में, लेकर जाकर के जो सुबह सुबह जब उतरती हैं सब्जियाँ फिर उसके बाद में अपना अपना बेचते हैं. बच्चू मांझी हैज़ टू थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग अ डे ऑफ फ्रॉम द वर्क. तो बच्चू मांझी को 2 बार सोचना पड़ता था अगर वो एक आध दिन काम नहीं करता, क्योंकि अगर एक दिन भी काम नहीं करेगा तो उसके पास में पैसे नहीं आएंगे. ठीक है, तो ये हो गया. लाइक बच्चू मांझी अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द सिटी वर्क ऑन स्ट्रीट. तो बहुत सारे लोग जो हैं बच्चू मांझी की तरह ही जो कि सिटी में काम करते हैं जो गलियों में. इन अ सर्वे तो एक सर्वे किया गया था अहमदाबाद सिटी में. इट वॉज फाउंड 12% ऑफ ऑल वर्कर्स इन द सिटी वर पीपल वर्किंग ऑन द स्ट्रीट. तो 12% तो ऐसे लोग थे जो कि ना गलियों में काम किया करते थे. दे समटाइम्स सेल थिंग्स और रिपेयर देम और प्रोवाइड सर्विस. तो मतलब क्या, वो ना कुछ सामान बेचा करते थे या फिर जो सामान को रिपेयर किया करते थे, है ना, जो भी होता था जो भी उनको आता था, या फिर वो सर्विस प्रोवाइड करते थे जैसे कि वो रिक्शा वगैरह की, है ना. दे वर्क ऑन देयर ओन. तो वो खुद ही अपना काम करते हैं. दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाई एनी मैन. उनको कोई एम्प्लॉय नहीं करता है. ठीक है, किसी के अंडर काम नहीं करते, वो खुद ही करते हैं. ठीक है, दे हैव टू ऑर्गनाइज देयर ओन वर्क. तो उनको खुद ही अपना सारा जो वर्क है उसको ऑर्गनाइज करना पड़ता है. तो उनको देखना पड़ता है कि कितना उनको परचेज करना है एज वेल एज वेयर एंड हाउ टू सेट अप देयर शॉप. कहाँ पर उनको अपनी दुकान लगानी है. देयर शॉप्स आर यूजुअली टेम्पररी
स्ट्रक्चर, उनकी शॉप जो होती है टेम्प्ररी होती है, ठीक है, समटाइम्स जस्ट एक बोर्ड हो गया या फिर पेपर जो है ओवर डिस्कार्डेड बॉक्सेस उसी में अपनी शॉप लगा लेते हैं, मे बी या कैनवास शीट हंग अप, मतलब थोड़े ना ऐसे पोल्स लगा लिए उन्होंने और ठीक है इस तरीके से उनकी शॉप हो गई, ठीक है यहीं पर, और ठेला लगा लिया या फिर जो बॉक्स वगैरह में सामान रख लिया है ना, देखा होगा आपने टोकरी में रखते हैं, तो उस तरीके से दे मे ऑल्सो यूज़ देयर ओन कार्ड्स, वो अपने खुद के कार्ड्स जो हैं उसको यूज़ करते हैं, ठेला वगैरह हो गया है ना जिस तरीके से वैसे ही, और सिंपली अ प्लास्टिक शीट स्प्रेड ऑन द पेवमेंट, तो प्लास्टिक शीट को भी यूज़ कर लेते हैं उसी में अपनी शॉप रख लेते हैं ना, दे कैन बी आस्क टू डिसमेंटल देयर शॉप एट एनी टाइम बाय द पुलिस, तो पुलिस कभी भी इनको हटा देती है, ठीक है, ये मतलब इनकी शॉप लगी कहीं बैठ करके अपना सामान बेच रहे हैं ये लोग, ठीक है, तो कभी भी जो पुलिस आके हटा देती है, क्योंकि सिटीज़ जो होती हैं बहुत क्राउडेड होती हैं, अगर हर रोड में ना इतने सारे लोग बैठे रहते हैं ना तो एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं ना, दे हैव नो सिक्योरिटी, उनके कॉस्ट में कोई सिक्योरिटी नहीं है, देर आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ द सिटी वेयर दीज हॉकर्स आर नॉट अलाउड टू एंटर, तो कई सारी सिटीज़ में क्या होता है कि इन हॉकर्स को ना अलाउड नहीं होता है एंटर करना है ना, जैसे क्योंकि ये लोग जो है सिटीज़ में आसपास सामान बेचते हैं ना, जो स्ट्रीट्स में बैठ जाते हैं ना रोड के आसपास, तो बहुत ज़्यादा फिर ये भी इनकी जान को भी खतरा रहता है, क्योंकि जो बहुत क्राउडेड रहती है सिटी तो एक्सीडेंट होने का भी रहता है ना, वेंडर सेल एनी थिंग दैट आर ऑफन प्रिपेयर्ड एट होम बाय देयर फैमिलीज, तो वेंडर कुछ भी बेचते हैं ना, मतलब जो भी उनके घर में बनाया जाता है वो हु परचेज क्लीन शॉट एंड मेक देम रेडी टू सेल, जो भी परचेज करते हैं उसको ना साफ करते हैं, उसको एकदम नया जैसा बनाते हैं, उसको सेल करते हैं, फिर आपने हैंडमेड प्रोडक्ट्स भी देखे होंगे है ना, जैसे दिए वगैरह हो गए तो वो अच्छे से बनाया करते हैं ना अपने हाथों से, या फिर कोई जो आर्टिफिशियल चीज़ हो गई है ना, लकड़ी से कोई सामान हो गया, कुटा कुड़िया हो गया, तो वो सारी चीज़ें हैं ना, जैसे कि जो खाने का सामान मिलता है वेंडर्स जो होते हैं अपने घर में बना करके और फिर बाहर बेचा करते हैं ना, ये देखो ये एक झोपड़ी सी बताई गई है, ऑफन वर्कर्स हु मेक अ लिविंग इन द सिटी आर फोर्स टू सेट अप देयर होम्स ऑन द स्ट्रीट एज वेल, तो कई सारे वर्कर्स जो होते हैं जिनके पास में ना मतलब उनकी कंडीशन बहुत ही ख़राब होती है, तो ना वो फोर्स जाते हैं कि सिटी में ना अपना ऐसे ही जो कहीं भी अपना घर बना लेते हैं ना जो स्ट्रीट्स में जो कि आस पास ना गलियों में, बिलो इन अ स्पेस वेयर सेवरल वर्कर्स लीव देयर बिलोंगिंग्स ड्यूरिंग द डे एंड कुक देयर मील्स एट नाइट, तो ठीक है तो यहीं पर ना वो रहते हैं और फिर दिन में छोड़ के जाते हैं अपना काम करते हैं और शाम को फिर यहीं पर खाना बनाया करते हैं ना, देयर आर ऑलमोस्ट 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स, तो 1 करोड़ जो हैं स्ट्रीट वेंडर हमारे यहाँ, ठीक है, इससे भी ज़्यादा होंगे है ना, क्योंकि पॉपुलेशन भी ज़्यादा है इन अ कंट्री वर्किंग इन अर्बन एरियाज, तो अर्बन एरियाज में ये काम करते हैं, स्ट्रीट वेंडिंग वॉज स्टिल रिसेंटली लुक्ड अपॉन ओनली एज एन ऑब्स्ट्रक्शन टू ट्रैफिक एंड टू पीपल वॉकिंग, तो स्ट्रीट वेंडिंग को भी आज भी हम देखते हैं जो सामान भेजा करते हैं लोग स्ट्रीट में, तो उनको इसीलिए ऐसे देखा जाता है कि वो जो है ट्रैफिक में दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं ना, और जो लोग चलते फिरते हैं तो वहाँ पर इनकी दुकान लग जाती है तो बहुत भीड़ हो जाती है, तो लोग निकल भी नहीं पाते हैं ना, ऐसे देखा जाता है, जैसे कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो इनको सपोर्ट करती है ना, क्योंकि ये भी तो गरीब हैं, उनको घर चलाना है अपना, हाउएवर विद द एफर्ट ऑफ मेनी ऑर्गेनाइजेशन, एफर्ट्स होते हैं कई सारी ऑर्गेनाइजेशन के, इट इज़ नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज अ जनरल बेनिफिट एंड एज अ राइट ऑफ द पीपल टू ओन लाइवलीहुड, ठीक है, तो हर किसी का जो है जो राइट है कि वो ना अपना अपनी ज़िंदगी चला सके, अपना कमा सके, वो खा सके है ना, भीख तो नहीं मांग रहे, अपना खुद का काम कर रहे हैं ना, तो जो है तो कई सारी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि एनजीओ वगैरह है वो भी सपोर्ट करती है ना, द गवर्नमेंट इज थिंकिंग अबाउट मॉडिफाइंग द लॉ, गवर्नमेंट भी जो सोचती है कि ये जो मॉडिफाई कर दें लॉ को थोड़ा चेंज कर दें है ना, दैट बैन स्ट्रीट वेंडर, जो कि बैन ना करें स्ट्रीट वेंडर को, अभी बैन करते हैं ना, सो दैट दे हैव प्लेस टू वर्क, ताकि उनके पास में काम करने के लिए जगह हो है ना, दैट दे आर ऑल्सो फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक एंड पीपल, ताकि ट्रैफिक भी ना हो और लोग अच्छे से चल फिर भी सकें और इनके पास काम भी हो, हॉकिंग जोन्स हैव बीन सजेस्टेड फॉर द टाउन्स, हॉकिंग जोन सजेस्ट किए गए हैं जो सिटीज़ और टाउन्स में, गवर्नमेंट ने बनवाए भी हैं कई सारे स्टेट्स में, ऐसे शेड लगा दिए गए हैं, ठीक है, तो उसमें ना स्ट्रीट वेंडर जाकर के अपना सामान बेच सकते हैं ना, तो हॉकिंग जोन्स बनाए गए हैं, इट ऑल्सो बीन सजेस्टेड दैट द मोबाइल वेंडर्स शुड बी अलाउड टू मूव फ्रीली अराउंड फ्रीली, ठीक है, तो ये भी सजेस्ट किया गया मोबाइल वेंडर जो यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं ना सामान बेचते रहते हैं उनको अलाउ किया जाए कि वो फ्रीली जा सके कहीं भी मूव कर सके है ना, हॉकर्स नीड टू बी पार्ट ऑफ द कमिटीज, तो हॉकर्स को एक कमेटी का पार्ट होना पड़ेगा, जो कमेटी वो खुद बनाएंगे, ठीक है, सब लोगों का ग्रुप होगा, दैट आर सेटअप टू टेक एंड टेक दीज एंड अदर डिसीजंस रिलेटिंग टू देम, ताकि वो अपने डिसीजंस के बारे में सोच सकें, जो भी उनको प्रॉब्लम हो रही है सब साथ में, जैसे कि एक यूनियन होता है ना, ट्रेड यूनियन बनाया जाता है लेबर्स का, उसी तरीके से इनको भी एक कमेटी बना लेनी चाहिए अपनी है ना, तो ये सजेस्ट किया जाता है जो भी हॉकर्स होते हैं जो सामान बेचा करते हैं ना जो ठेले वगैरह में और जो स्ट्रीट्स में जो चल चल के है ना जो वॉक करके मोबाइल वेंडर्स कहते हैं उनको है ना, अब इन द मार्केट व्हेन वी रीच द मार्केट, जैसे ही वो मार्केट पहुँचे द शॉप्स वर जस्ट बिगनिंग टू ओपन, वो सुबह सुबह ही निकले थे तो उस टाइम पर शॉप्स लग रही थी है ना खोली जा रही थी, बट द प्लेस वॉज ऑलरेडी क्राउडेड बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल सीजन, फेस्टिवल सीजन होता है तो फिर सुबह हो शाम हो दोपहर हो हर टाइम भीड़ ही रहती है ना अपने यहाँ, तो देयर वर रोज एंड रोज ऑफ शॉप्स, तो बहुत सारी शॉप्स लगी हुई थी स्वीट्स की टॉयज़ की क्लोथ्स की है ना सामान बेचा जा रहा था, जैसे कि खिलौने हो गए मिठाई हो गई कपड़े हो गए जो जूते चप्पल हो गए है ना बर्तन वगैरह हो गए इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गए जो भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, देयर वॉज अ डेंटिस्ट क्लिनिक, तो डेंटिस्ट क्लिनिक था वहाँ पर आखिर में
माई कज़न हैड एन अपॉइंटमेंट, तो उनका कज़न का अपॉइंटमेंट था डेंटिस्ट के पास में, जो कि दांत सही करते हैं ना. वी वेंट देयर फर्स्ट, तो वो सबसे पहले वहाँ पर गए सो दैट वी विल नॉट मिस आर टर्न. तो फिर उसके बाद में क्योंकि उनका नंबर चला जाता फिर से उनको लगाना पड़ता है ना. वी हैड टू वेट फॉर अ वाइल इन अ रूम बिफोर शी वॉज कॉल्ड इनसाइड. यहाँ पर ना गर्ल की बात हो रही, ओके. तो उन्होंने ना बाहर वेट किया, फिर उसके बाद में उसको बुला लिया गया, ओके. द डेंटिस्ट एग्जामिन्ड हर, तो डेंटिस्ट ने उनको चेक किया एंड आस्क्ड हर टू कम बैक द फॉलोइंग डे. सो फिर से उसको बुलाया टू गेट अ कैविटी इन हर टूथ फिल, क्योंकि ना उनके दांत खराब हो चुके थे तो उसको साफ करने के लिए. माय कज़न वाज स्कैर्ड बिकॉज शी थॉट द प्रोसेस वुड बी पेनफुल एंड वाज अपसेट दैट शी हैड अलाउड हर टीथ टू गो बैड. ठीक है, उनका कज़न, उनकी कज़न जो थी वो ना बहुत ज़्यादा सैड थी क्योंकि ना, और डरी हुई भी थी, ओके. क्योंकि उसने ना अपने दांत खराब कर लिए थे, अब उसको डर लग रहा था क्योंकि जो प्रोसेस होगा वो साफ करने का, जो कैविटी हटाने का, तो वो जो है ना वो पेनफुल होगा, ओके. तो उसने अपने दांत खराब होने दिए इसलिए उसको बुरा लग रहा था. फ्रॉम द डेंटल क्लिनिक शी टुक मी न्यू गारमेंट शोरूम, तो वो डेंटल क्लिनिक से कपड़े वाले शोरूम में गए, ठीक है, जहाँ पर कपड़े वगैरह मिला करते हैं. आई वॉन्टेड टू बाई सम रेडीमेड क्लोथ, तो बने बनाए जो रेडीमेड होते हैं ना क्लोथ्स वो खरीदना चाहती थी. द शोरूम हैड थ्री फ्लोर्स, तो वहाँ पर तीन फ्लोर थे शोरूम में. ईच फ्लोर हैड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ, वहाँ पर हर तरीके के क्लोथ्स पाए जाते थे. वी वेंट टू द थर्ड फ्लोर, वो थर्ड फ्लोर में गए. फर्स्ट फ्लोर होता है, फिर उसके ऊपर सेकेंड फ्लोर होता है, फिर उसके ऊपर थर्ड फ्लोर होता है ना, तो इस तरीके से फ्लोर्स होते हैं. वो थर्ड फ्लोर पर गए जहाँ पर गर्ल्स के कपड़े रखे गए थे, है ना. हरप्रीत एंड वंदना बिजनेस पर्सन, अब बिजनेस पर्सन के बारे में देखते हैं. हरप्रीत एंड वंदना जो थी, माई फादर एंड अंकल वर्क इन अ स्मॉल शॉप, उनके पापा जो हैं और उनके अंकल जो हैं एक स्मॉल शॉप में काम किया करते हैं. ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम्स एंड ऑन संडे माई ब्रदर एंड आई हेल्प देम इन अ शॉप, तो फेस्टिवल टाइम हो गया, संडे हो गया, तो उसमें उनकी मम्मी और जो वो लड़की है वो अपने शॉप में हेल्प करती है. आई स्टार्टेड वर्किंग देयर ओनली आफ्टर आई कम्प्लीटेड माई कॉलेज, तो अपना कॉलेज कम्प्लीट करने के बाद वो वहाँ पर काम करने लगी हरप्रीत. वी ओपन द शोरूम, तो उन्होंने शोरूम ओपन किया था सम ईयर्स अगो, कुछ सालों पहले, है ना. आई एम ड्रेस डिज़ाइनर, तो वो एक ड्रेस डिज़ाइनर है. और बिजनेस हैज़ चेंज, तो उनका बिजनेस जो चेंज हो गया. दीज डेज पीपल प्रेफर टू बाय रेडीमेड क्लोथ्स, आजकल जो है लोग ना रेडीमेड क्लोथ्स लेते हैं रेदर देन हैव देम स्टिच, तो मतलब सिले सिलाए कपड़े नहीं, मतलब सिलवाते नहीं हैं कपड़े, आजकल सब वैसे ही खरीदते हैं ना. द ट्रेंड दीज डेज इज फॉर द रेडीमेड गारमेंट्स, क्योंकि आज के टाइम पर रेडीमेड गारमेंट्स ज़्यादा चलते हैं. यू ऑल्सो नीड एन अट्रैक्टिव डिस्प्ले फॉर देम, तो आपको भी एक अट्रैक्टिव डिस्प्ले दिखाना पड़ेगा लोगों के लिए, है ना. फॉर आर शोरूम वी मस्ट बाय थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेस, तो उनको अपने शोरूम के लिए अलग अलग जगह से सामान लेनी चाहिए, है ना. वी बाय मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स फ्रॉम मुंबई अहमदाबाद, तो वो है ना अपना जो कपड़े वगैरह लेकर के आते हैं खत्ता खरीदा जाता है फिर शॉप से बेचा जाता है ना. तो मुंबई अहमदाबाद लुधियाना जो त्रिपुरा यहाँ से वो अपने कपड़े खरीद कर लाते हैं फिर बेचते हैं. सब मटेरियल ऑल्सो क्रम फ्रॉम, कुछ मटेरियल जो है नोएडा से भी आता है, गुरुग्राम से आता है, दिल्ली से आता है ना. वी गेट सम ड्रेसेस आइटम्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, तो फॉरेन कंट्रीज से भी वो ड्रेस मंगाते हैं. देयर आर सेवरल थिंग्स वी नीड टू डू टू रन दिस शोरूम प्रॉपरली, तो उनको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं ताकि उनका शोरूम अच्छे से चल सके, है ना. ओके, तो उनको बहुत सारा काम करना पड़ता है. वी एडवर्टाइज इन वेरियस न्यूज़पेपर, वो एडवर्टीजमेंट देते हैं न्यूज़पेपर में, सिनेमा थिएटर्स में, टेलीविजन में, रेडियो चैनल्स में. करंटली दिस बिल्डिंग इज रेंटेड बट सून वी प्लान टू बाय इट, तो अभी तो ये जो बिल्डिंग है वो रेंट पे है पर सून उन लोग ना खरीद लेंगे ये बिल्डिंग को. एवर सिंस द मार्केट हैड बिकम द मेन मार्केट फॉर पीपल लिविंग इन द सराउंडिंग अपार्टमेंट अ बिजनेस हैज ग्रोन, तो ना अभी जो लोग रहने लगे तो उनका बिजनेस और ज़्यादा बढ़ गया. वी हैव बीन एबल टू बाय अ कार, अब उनके पास में वो कार भी खरीद सकती है और फ्लैट भी इन एन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स नियर बाय, तो वो उनका बिजनेस बढ़ गया, उनकी कमाई होने लगी, तो वो जो है कार वगैरह भी खरीद सकते हैं और जो फ्लैट भी है. लाइक हरप्रीत एंड वंदना की तरह ही देयर आर मेनी पीपल हु ओन शॉप इन वेरियस मार्केट, तो कई सारी मार्केट में जो लोगों की शॉप हुआ करती हैं जैसे हरप्रीत और वंदना की थी. दीज शॉप्स में भी स्मॉल और लार्ज, तो वो छोटी हो सकती हैं बड़ी हो सकती हैं, दे सेल डिफरेंट थिंग, आपने भी देखा होगा शॉप्स में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. मोस्ट बिजनेस पर्सन मैनेज देयर ओन शॉप और बिजनेसेस, तो मोस्ट बिजनेस पर्सन जो होते हैं अपनी खुद की शॉप को मैनेज करते हैं और बिजनेस को. दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनीवन, उनको कोई एम्प्लॉय नहीं करता है, बट दे डू एम्प्लॉय अ नंबर ऑफ अदर वर्कर्स, पर वो जो हैं कई सारे वर्कर्स को एम्प्लॉय करते हैं ना शॉप में, और भी ज़्यादा लोग, तो शॉप में और भी ज़्यादा लोग काम करते हैं ना, तो वो एम्प्लॉय करते हैं अदर लोगों को, ठीक है. बट दे डू एम्प्लॉय अ नंबर ऑफ अदर वर्कर्स ऐसे सुपरवाइजर और हेल्पर के तौर पे, है ना. दीज आर परमानेंट शॉप होती हैं, इनकी पर्टिकुलर प्लेस होती है, इनके पास में लाइसेंस होता है ना, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से वो लेते हैं. म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन डिसाइड करते हैं ऑन विच डे ऑफ द वर्क द मार्केट हैज़ टू रिमेन क्लोज, तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन डिसाइड करते हैं कि किस दिन मार्केट जो है बंद रहेगा. फॉर एग्जाम्पल शॉप्स इन द अवर मार्केट आर क्लोज ऑन वेडनेसडे, तो जो भी आपने शॉप्स देखी इस मार्केट में वेडनेसडे के दिन क्लोज रहती हैं. दिस मार्केट ऑल्सो हैज़ स्मॉल ऑफिस एंड shops that provide services such as banks, career service and other. तो और भी ऑफिस दिस मार्केट जो मार्केट में है छोटे छोटे ऑफिस भी बने हुए हैं, शॉप बनी हुई है जो कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं जैसे कि बैंकिंग सर्विसेज, करियर सर्विस प्रोवाइड करते हैं सामान इधर से उधर बेचना. अब फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया के बारे में, आई वॉन्टेड टू हैव अ जरी वर्क डन ऑन माई ड्रेसेज ऑफ माई ड्रेसेज, ठीक है, विच आई नीडेड फॉर द स्पेशल ओकेशन के लिए. वो एक ड्रेस पहनना चाहती है तो उसमें एक वो जरी वर्क कराना चाहती है. माई कज़न सेड दिस, शी न्यू निर्मला हु वर्क्स इन द गारमेंट फैक्ट्री, तो उसके कज़न ने बोला कि मैं ना निर्मला को जानती हूँ जो कि गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है. निर्मला नेवर्स डू, तो निर्मला के जो नेवर हैं वो जरी वर्क करते हैं और एम्ब्रॉयडरी करते हैं. सो वी गॉट
अब बस दोनों ने बस ली, ठीक है, मतलब बस में बैठे और हेड इट टुवर्ड्स द फैक्ट्री एरिया. वो फैक्ट्री एरिया में गए. द बस वॉज रियली क्राउडेड, तो बस बहुत ज़्यादा भरी हुई थी. एट एवरी स्टॉप मोर एंड मोर पीपल गॉट ऑन, तो और ज़्यादा लोग बैठे जा रहे थे हर स्टॉप्स में, है ना. जैसे ही रुकती बस और ज़्यादा लोग बैठ जाते. एंड हार्डली एनी वन सीम टू गेट ऑफ, तो अभी तो लोग नहीं उतरे थे उसमें से. पीपल वर पुशिंग अदर्स, तो एक दूसरे को धक्का दे रहे थे ताकि जगह बन सके. माई कज़न गिन गाइडेड मी टू अ कॉर्नर, तो उनकी कज़न ने उनको गाइड किया, वो कॉर्नर में जा गए, है ना, चले गए. सो दैट वी वुडंट गेट स्क्वैश्ड, ताकि वो दब ना जाए, है ना. आई वंडर्ड हाउ पीपल ट्रैवल लाइक दिस एवरी डे, तो वो सोच रही थी यार लोग ऐसे कैसे ट्रैवल करते हैं इतनी भीड़ में, है ना. एज द बस एंटर द फैक्ट्री एरिया, जैसे ही बस जो फैक्ट्री एरिया में एंटर हुई, पीपल जो है उतरना शुरू हो गए, बस खाली होती गई. वी ऑल्सो गॉट ऑफ, तो वो भी उतर गई, है ना. जब उनकी जो आ गई, ठीक है, तो उनको रिलीफ मिला फिर. वॉट अ रिलीफ दैट वॉज, देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, तो बहुत सारे लोग थे सिटिंग ऑन अ रेलिंग और इन अ ग्रुप एट द क्रॉसिंग. तो बहुत सारे लोग जो थे रेलिंग में बैठे हुए थे, है ना, जो ग्रुप्स में बैठे हुए थे ना क्रॉसिंग में, ठीक है, तो बहुत सारे लोग बैठे हुए थे वहाँ पर. दे सीम टू बी वेटिंग फॉर समवन, वो वेट कर रहे थे किसी का, है ना. सम ग्रुप्स हैड पीपल ऑन स्कूटर स्टैंडिंग बाय एंड टॉकिंग विद देम, तो कुछ जो थे लोग थे उनसे ना बात कर रहे थे, कुछ लोग जो कि स्कूटर में आए हुए थे, है ना. माई कज़न एक्सप्लेन, तो उन्होंने बताया कि ये जो है ना लेबर चौक है, ठीक है, यहाँ पर लेबर्स होते हैं, लोग आते हैं और जो भी काम का डिस्कस करते हैं, फिर लेबर को ले जाते हैं ना, काम करते हैं, फिर लेबर उनके साथ जाकर के. दे टेक एट द कंस्ट्रक्शन साइट, तो वो क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट में काम करते हैं, रोड लोड मतलब सामान वगैरह उठाने में और जो भोजा वगैरह जो सामान वगैरह ट्रक में रखने में, है ना, पाइपलाइंस बनाना है, टेलीफोन केबल्स वगैरह. ऑल्सो बिल रोड्स, देयर वर थाउजेंड्स ऑफ सच कैजुअल वर्कर्स इन द सिटी, तो बहुत सारे कैजुअल वर्कर हैं सिटीज़ में. एट लेबर चौक्स डेली वेज वर्कर्स वेट विद देयर टूल्स फॉर पीपल टू कम एंड टेक देम फॉर वर्क. तो ऐसे ना लेबर चौक जो ऐसे बताया गया है कि लोग ना यहाँ पर आते हैं, देखते हैं और फिर ना ले जाते हैं लेबर को अपने साथ काम करने के लिए. वी एंटर द फैक्ट्री एरिया, जैसे ही वो फैक्ट्री एरिया में एंटर हुए, टू फाइंड इट फुल ऑफ स्मॉल वर्कशॉप, ठीक है. तो स्मॉल वर्कशॉप देखी उन्होंने, दे सीम टू बी एंडलेस रो ऑफ देम, तो बहुत सारी ना मतलब ख़त्म ही नहीं हो रही थी, इतनी ज़्यादा रो थी, ठीक है. इन वन सेक्शन वी सॉ पीपल वर्किंग इन अ स्मॉल रूम ऑन सीविंग मशीन, तो सीविंग मशीन में लोग काम कर रहे थे जहाँ पर क्लोथ वगैरह स्टिच किए जा रहे थे. वन पर्सन ऑपरेटेड वन सीविंग मशीन, तो हर एक जो पर्सन था ऐसे स्विमिंग मशीन, जो स्विमिंग मशीन होता था कपड़े सिलने का, तो उसमें एक जो इंसान बैठा हुआ था. क्लोथ्स दैट हैव बीन स्टिच वर स्टैक्ड ऑन वन साइड ऑफ द रूम, तो जो अलग से रखे जा रहे थे, जो भी क्लोथ्स बनते जा रहे थे ना, स्टिच होते जा रहे थे. वी लोकेटेड निर्मला इन दिस स्टिचिंग यूनिट, तो उन्होंने देखा निर्मला को वहाँ पर. शी वॉज हैप्पी टू मीट माई कज़न, तो वो खुश थी अपनी जो उनकी कज़न से मिलने के बाद. एंड प्रॉमिस टू गेट द सारी वर्क डन बाय माई ड्रेस, तो उसने प्रॉमिस किया हाँ ठीक है करवा देंगे सारी वर्क, है ना. निर्मला वर्क एज अ टेलर इन एन एक्सपोर्ट गारमेंट्स यूनिट, तो निर्मला एक टेलर के तौर पर काम करती है एक्सपोर्ट गारमेंट यूनिट में. द फैक्ट्री वेयर शी वर्क्स मेक्स समर क्लोथ्स फॉर पीपल, तो जहाँ पर वो काम करती है, तो वो फैक्ट्री जो है समर क्लोथ्स बनाती है ना, गर्मी के टाइम के जो क्लोथ्स होते हैं, कपड़े होते हैं, जो किसके लिए, फॉरेन कंट्रीज़ के लिए, जैसे कि यूएस हो गया, यूके हो गया, जर्मनी हो गया, नीदरलैंड हो गया, है ना. वर्कर्स लाइक निर्मला हैव अ वेरी लॉन्ग आवर्स इन द मंथ फ्रॉम दिसंबर से लेकर के अप्रैल तक, मतलब वो काम ही करते रहते हैं ना. अ नॉर्मल वर्किंग डे, तो सुबह 9 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक वो काम करते हैं, समटाइम्स इवन लेटर, तो इससे ज़्यादा भी उनको काम करना पड़ता है. शी वर्क्स फॉर 6 डेज अ वीक, तो 6 दिन वो काम करती है, 1 दिन की छुट्टी मिलती है उसको, है ना. एट टाइम्स वेन द वर्क नीडेड टू बी डन अर्जेंटली, जब उसको मतलब जब काम ज़रूरी होता करना, शी वर्क्स ऑन संडे, तो संडे को भी उनको काम करना पड़ जाता है. निर्मला इज पेड 80 रुपीज़ अ डे, तो उसको 80 रुपीज़ मिलते हैं फॉर 8 आवर्स, एंड फॉर एक्स्ट्रा के लिए उसको 40 रुपये मिल जाते हैं ना, अगर ज़्यादा हो जाता है काम. बाय जून द वर्क इज़ ओवर, तो जून में काम खत्म हो जाता है. फैक्ट्री रिड्यूसेस स्टाफ, तो फैक्ट्री अपने स्टाफ को कम कर देती है. निर्मला विल ऑल्सो बी आस्क्ड टू लीव, तो निर्मला को भी पूछा जा सकता है कि वो छोड़ के चली जाए, है ना. फॉर अबाउट 3 to 4 months, तो 3 से 4 महीने, ठीक है, हर साल, तो उनके पास में काम नहीं होता है. मोस्ट वर्कर्स लाइक निर्मला, तो कई सारे वर्कर्स हैं निर्मला की तरह ही, आर एम्प्लॉयड ऑन व्हाट इज़ नोन एज कैजुअल बेसिस, तो इनको ना कैजुअल वर्कर्स कहते हैं, कैजुअल बेसिस में इनको एम्प्लॉय किया जाता है. दे आर रिक्वायर्ड टू कम एज एंड वैन एम्प्लॉयर्स नीड देम, जब एम्प्लॉयर को इनकी ज़रूरत होती है तो भी ये आ जाते हैं, है ना, ठीक है. फिर जब एम्प्लॉयर को ज़रूरत नहीं होती है तो वो निकाल देता है. दे आर एम्प्लॉयड वन द एम्प्लॉयर गेट लार्ज ऑर्डर और ड्यूरिंग सीजन, जब एम्प्लॉयर को बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिलते हैं ना, इन सबको काम पर रख लेता है. एट अदर टाइम्स ऑफ द ईयर दे हैव टू फाइंड सम अदर वर्क, तो उनको दूसरा काम देखना पड़ता है जब इनके पास में काम नहीं होता है. जॉब्स लाइक निर्मलास आर नॉट परमानेंट, इनकी परमानेंट जॉब नहीं है. इफ वर्कर्स कंप्लेन अबाउट या पे और वर्किंग कंडीशन, अगर वर्कर कंप्लेन करता है उनकी जो पेमेंट कम है या फिर वर्किंग कंडीशन ठीक नहीं है, तो उनको निकाल दिया जाता है. देर इज़ नो जॉब सिक्योरिटी, इनकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है. देर इज़ इल ट्रीटमेंट है उनके साथ में ना, तो एल ट्रीटमेंट भी हो सकता है ना. और दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स, उनको एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ना घंटों काम करते रहें. फॉर एग्जाम्पल क्लोथ मिल यूनिट द वर्कर वर्क ऑन डे एंड नाइट शिफ्ट
विद ईच शिफ्ट लास्टिंग 12 आवर्स, मतलब 12 घंटे काम करते हैं। वन वर्कर वर्क्स ऑन मशीन फॉर 12 आवर्स, तो एक जो वर्कर है वो 12 घंटे के लिए काम करता है। क्लोथ मिल के बारे में बता रहे हैं, जो कपड़े का मिल है वहाँ पर। देन इज रिप्लेस बाय अनदर, फिर अगले जो दूसरा वर्कर आ जाता है वो 12 घंटे काम करता है। इस तरीके से कैजुअल वर्कर्स काम करते हैं। वर्किंग इन कॉल सेंटर, कॉल सेंटर का बताया गया, ये इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये एक नया फॉर्म एम्प्लॉयमेंट का बिग सिटीज़ में। कॉल सेंटर इज अ सेंट्रलाइज्ड ऑफिस, तो ये जो है सेंट्रलाइज्ड ऑफिस है दैट डील्स विद प्रॉब्लम, मतलब कि सेंट्रलाइज्ड ऑफिस एक बॉस हो गया वो सबको ऑर्डर देगा, ठीक है, सबको मानना पड़ेगा। तो ये डील करते हैं जो भी प्रॉब्लम क्वेश्चन होता है कंज्यूमर का, कस्टमर का, जो भी वो गुड्स वगैरह मंगाते हैं ना, परचेज करते हैं, सर्विसेज लेते हैं, तो उनको बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, टिकट बुकिंग, तो ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं, तो कंज्यूमर जो होते हैं उनको जो भी प्रॉब्लम होती है तो कॉल सेंटर वाले आंसर करते हैं। कॉल सेंटर और जनरली सेटअप ऐसा लार्ज रूम्स, तो बहुत बड़े बड़े कमरे होते हैं, ठीक है, विद वर्क स्टेशन दैट इंक्लूड कंप्यूटर होता है, टेलीफोन होता है, ठीक है, सुपरवाइजर का स्टेशन होता है। इंडिया हैज़ बिकम अ मेजर सेंटर बन चुका है ये कॉल सेंटर का, इंडियन कंपनीज जो हैं बट ऑल्सो फॉरन कंपनीज भी इनको अपॉइंट करती है। दे सेटअप कॉल सेंटर्स हियर एज दे कैन गेट पीपल हु स्पीक इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश जो बोलते हैं वो लोग विल वर्क फॉर द लोअर वेजेस, और वो कम पैसे में भी काम करते हैं। इन द ऑफिस एरिया, ऑफिस एरिया में देखते हैं, मैं आंट सुधा वर्कर वर्क एज अ मार्केटिंग मैनेजर, तो ऑफिस में उनकी आंटी जो है सुधा वो मार्केटिंग मैनेजर है। शी हैड आस्ड अस टू रीच हर ऑफिस, तो उन्होंने बोला था कि भाई तुम लोग आ जाना 5:30 पे, है ना। वी थॉट वी हैड गेट लेट, तो उनको लगा अरे हम लेट हो गए हैं, सो उन्होंने ऑटो रिक्शा लिया और मैनेज किया वहाँ तक पहुँचे टाइम पर। हर ऑफिस वॉज एन एरिया सराउंडेड बाय टॉल बिल्डिंग्स, तो वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी। देयर वर हंड्रेड्स ऑफ पीपल कमिंग आउट, तो वहाँ से बहुत सारे लोग बाहर निकल रहे थे। सम हैड इट फॉर पार्क कार पार्क व्हाइल अदर्स वेंट टुवर्ड्स द रो ऑफ बसेस, कुछ लोग बस की तरफ गए, कुछ लोग अपनी कार की तरफ। माई आंट इज अ मार्केटिंग मैनेजर, आंट उनकी जो थी आंटी जो मार्केटिंग मैनेजर थी ना कंपनी विच मैन्युफैक्चर बिस्किट, जहाँ पर बिस्किट बना करती थी। द फैक्ट्री वर वी आर द बिस्किट्स आर मेड इज आउटसाइड द सिटी, जहाँ पर बिस्किट्स बना करती थी वो फैक्ट्री आउटसाइड बाहर थी सिटी के। शी सुपरवाइज द वर्क 50 सेल्स पर्सन हु ट्रैवल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी, तो वो सुपरवाइज करती थी 50 सेल्स पर्सन को, है ना, सबके ऊपर हेड थी वो। दे गेट ऑर्डर्स फ्रॉम द शॉपकीपर्स, उनको शॉपकीपर्स से ऑर्डर मिलते थे, कलेक्ट करती थी पेमेंट वगैरह सब ये। शी हैड डिवाइडेड द सिटी इनटू 6 रीजन, सिटी को उन्होंने 6 रीजन में डिवाइड कर दिया था। वंस अ वीक शी मेट द सेल्स पर्सन ऑफ ईच रीजन, तो हर हफ्ते में एक दिन वो जो सेल्स पर्सन से मिला करती थी, ठीक है। शी चेक देयर प्रोग्रेस रिपोर्ट, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट को चेक करती थी और उनसे प्रॉब्लम वगैरह डिस्कस करती थी जो भी वो लोग फेस करती थी। शी हैज़ टू प्लान द सेल्स इन द एंटायर सिटी, उनको प्लान करना पड़ता था जो भी सेल हो रहा है पूरी सिटी में। एंड ऑफन हैज़ टू वर्क लेट, और उनको ना बहुत देर देर तक भी काम करना पड़ता था और जाना पड़ता था अलग अलग प्लेसेस में। शी गेट अ रेगुलर सैलरी, उनके पास में रेगुलर सैलरी थी, ऐसा नहीं था कि एक सीजन में काम करें एक में नहीं, एवरी मंथ आती थी, उनका परमानेंट वर्क था विद द कंपनी। शी कैन एक्सपेक्ट हर जॉब टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो एक्सपेक्ट कर सकती है उनका जो जॉब चलता रहे वो मतलब कई सारे दिनों तक, है ना। बीइंग अ परमानेंट वर्कर शी ऑल्सो गेट अदर बेनिफिट सच एज फॉलोइंग, तो उनको और भी बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो परमानेंट वर्कर्स हैं, जैसे कि सेविंग फॉर ओल्ड एज, ओल्ड एज के लिए उनको सेविंग मिलती है जब वो बूढ़ी हो जाएंगी, है ना, तो उनको सेविंग मिलेगी। या पार्ट ऑफ हर सैलरी इज कैप्ड इन अ फंड, उनकी जो सैलरी है एक फंड में रखी जाती है गवर्नमेंट के पास में। शी विल अर्न इंटरेस्ट, उनको उस सैलरी जो फंड रखा गया उस पर इंटरेस्ट मिलता है। ऑन दी सेविंग्स वैन शी रिटायर्स फ्रॉम दिस जॉब, जब उनका रिटायरमेंट होता है विल गेट दिस मनी एंड शी कैन देन लिव ऑन दैट, मतलब जो उनको मनी मिलेगी रिटायरमेंट पे वो उससे उनका जीवन चल जाएगा। हॉलीडेज़ भी मिलते हैं इनको, ठीक है, संडे हो गया, नेशनल हॉलीडेज़ भी हो गए, और वो चाहे तो एनुअल लीव भी ले सकती हैं जो भी उनको ज़रूरत है। मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है उनकी फैमिली के लिए, ठीक है, हर कंपनी पेज मेडिकल एक्सपेंसेस पे करती है उनकी कंपनी, ओके, सर्टेन अमाउंट फॉर हर एंड हर फैमिली मेम्बर्स के लिए। शी गेट मेडिकल लीव भी मिलती है उनको अगर उनकी तबीयत खराब होती है, और सैलरी भी कट नहीं होती, उनकी सैलरी नहीं काटी जाती है। देयर आर मेनी वर्कर्स इन द सिटी हु वर्क इन द ऑफिस फैक्ट्रीज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स विद एम्प्लॉयज़ आर रेगुलर और परमानेंट वर्कर, इनको ऑर्गनाइज्ड एम्प्लॉय कहते हैं, ऑर्गनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, लोगों के पास में ऑफिस फैक्ट्रीज यहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम किया करते हैं। दे अटेन सेम ऑफिस और फैक्ट्री रेगुलरली, तो वो ऑफिस जाते हैं फैक्ट्री जाते हैं वहीं पर रोज़ रोज़। दे वर्क इज क्लियरली आइडेंटिफाई, उनका जो काम है पता है क्लियरली आइडेंटिफाई कि उनको क्या करना है। दे गेट रेगुलर सैलरी, उनको रेगुलर सैलरी मिलती है, अनलाइक कैजुअल वर्कर्स। कैजुअल वर्कर्स को कभी भी जो जॉब से निकाला जाता है, ओके, जब भी ना कैजुअल वर्कर फैक्ट्री वर्कर्स को निकाल दिया जाता है जब उनके पास में काम नहीं होता है, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे, तो जब दिन ख़त्म होता है तो वो लोग ना बहुत मतलब वो अपनी आंट की कार में बैठते हैं और पूरी तरीके से थक चुके होते हैं, जो दोनों थे ना वो घूम रहे थे पूरे मार्केट में। बट इट हैड बीन सो मच फन, तो उनको बहुत मज़ा आया, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जानी, ठीक है, जो अर्बन एरियाज़ में क्या क्या लोग काम करते हैं, कैसे कैसे एम्प्लॉयमेंट होता है ना। हाउ इंटरेस्टिंग दैट सो मेनी पीपल डू सो मेनी डिफरेंट थिंग्स इन सिटी, तो आपने देखा कि कितने सारे लोग कितने अलग अलग तरीके के काम करते हैं सिटी में। दे हैव प्रॉपर्ली नेवर मेट ईच अदर, तो वो एक दूसरे से कभी नहीं मिले होते बट वो वर्क करते हैं, बट इट इज़ देयर वर्क दैट टाइज देम टुगेदर एंड हेल्प टू मेकअप द सिटी, पर उनका जो काम है वो उनको इकट्ठा जोड़ता है, ठीक है, और उसी से सिटी बनती है, ओके। तो आपने सिटीज़ के बारे में बहुत कुछ जाना है ना, तो यहाँ पर आपकी सिविक्स भी कंप्लीट होती है और चैप्टर भी कंप्लीट होता है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें, है ना। ऐसा लगता है आप लाइक करके बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।